काम चल दो हम पतला तो जो कुछ हो जयकार हो। राजन, आखिर कौन सा अति आवश्यक कार्य पड़ा है जो आपने महामंत्री दुर्जन सिंह को याद किया है? महामंत्री दुर्जन सिंह, हमें तो आपकी जरूरत ही है। और ये बताओ, जो सरहद की सेवा पे हमारे राज के जो सेनापति छत्र प्रकाश हैं, वो कहां इष्ट में? महाराज, सेनापति सत्य प्रकाश सेना का संचालन करता है, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। मैं तो सिर्फ राज्य की देखभाल करता हूँ बस। बहुत अच्छी बात। अरे दरबारी, जरा आवाज लगाओ सेनापति को। हेलो हेलो, सत्य प्रकाश भैया, शाही गुलाम, महाराज जी आपको दरबार में याद कर रहे हैं। जय महाराज, यार बताने में तेरी जरा ना। कहिए महाराज, अचानक सेनापति सत्य प्रकाश को दरबार में किसने बुला गया? सेनापति महामंत्री दुर्जन सिंह, बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है और बड़े शर्म की बात है कि तुम्हारे ऐसे महामंत्री सेना का संचालन करने वाले हमारे सेनापति सत्य प्रकाश सिंह हो। वहां किसी प्रकार के राज में कमी ना होने पाए। अरे महाराज, आप कैसी बातें करते हैं? प्रजा सभी आपके नाम की जय जयकार करती है, सदैव हमेशा आपका नाम लेकर जीती है, और फिर हमारे राज में प्रजा के ऊपर कोई संकट आ जाए, ये नामुमकिन है महाराज। नामुमकिन है, मैं बताता हूं। इस इलाके में जानते हो काली कोबरा, डाकू काली कोबरा और नागिया एक गैंग का सरदार है, जो कि उसकी हर समय नजर हमारे शाही खजाने पे लगी रहती है। उसने जो है तराई इलाके में डाका डालने में कामयाब हुआ, जो कि 20 लोगों की इसमें जाने गई। 20 लोगों की जाने की जिम्मेदार कौन है? कौन है? महामंत्री दुर्जन सिंह आप हैं। महाराज, क्या बात करते हैं आप? डाकू कोबरा डाकिया पंच का एक सरदार है, उसे गिरफ्तार करना नामुमकिन है महाराज, क्योंकि डाकू कोबरा इतना चालाक है, इतनी चालाकी से वो डकैतियां डालता है कि हम आपसे कुछ बता नहीं सकते महाराज। मैं मानता हूं कि उसने चालाकी दिखाकर हमारे राज में 20 घरों में डाका डालकर ना जाने कितने लोगों की निर्मम हत्या कर दी है।
पर महाराज हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर हैं महाराज। चुप रहो, हमारे राज्य में मरने वाला जो है वो हमारा भाई है, जो खून बहा है वो हमारा खून है, और ये तुम्हारी लापरवाही है, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ है। महामंत्री, अगर आप सतर्क होते ना तो 20 लोगों की जाने नहीं जाती, और डाकू कोबरा नाडिया जो सरदार गैंग का है वो हमारे इलाके में डाका डालने की चुना नहीं करता। सेनापति सत्यप्रकाश, हम जानते हैं कि ये महाराज लापरवाही है तो केवल महामंत्री की है, हम जानते हैं महाराज। हमारा कार्य सेना को संगठित करना, बाहरी राजाओं को आक्रमण करने से बचाना। 25 साल से मैं इस राज महल का नमक खाया हूं महाराज। जीते जी सेना पर मर जाएगा, लेकिन नमक के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। बड़े अफसोस की बात है, चित्रगढ़ में डाको कोबरा डकैत डालने में कामयाब रहा, जो कि 20 लोगों की हत्या हो गई। जो ये खून गिरा मेरे राज का नहीं बल्कि हम सब गरीब भाइयों का था। सेनापति, हम जानते हैं कि जहां पर अब पसीना गिरेगा वहां खून बहा दोगे, ये भी जानते हैं कि आप एक ईमानदार हैं जो हमारी बेटी राजकुमारी रेखा है, और हमारा ख्याल सेनापति तुम ही रख सकते हो। आज हम आदेश देते हैं कि जो हमारी सीमा है ना, उस सीमा पे ड्यूटी तुम्हारी होगी, जो कि तुम्हारे रहते हुए कोई भी बाहरी आदमी, कोई भी दुश्मन हमारी तरफ नजर उठाएगा। महाराज आप चिंता मत करो, मेरे रहते कोई बारी राजा की रात की तरफ आग को उठाने की जरूरत नहीं करेगा। तराई इलाके में जो डाका पड़ा है जिसमें 20 लोगों की जाने गई हैं, उसके जिम्मेदार महामंत्री दुर्लभ सिंह हैं। जाओ, आपसे महामंत्री से 2 गुना तुम्हारा वेतन होगा, ये मेरा ऐलान है। 2 गुना वेतन महाराज, अगर आपने मेरा 2 गुना मंत्री से वेतन बढ़ा दिया है कोई बात नहीं, अगर मेरा वेतन नहीं बढ़ता फिर भी मैं फर्जमान के साथ वफादारी करता। लंबाई चौड़ाई नाम रहेगा मंत्री जी। मंत्री इधर मेरे दिल में आग लगी है, और तू बता रहा कि लंबाई और चौड़ाई नाप रहे हैं। पानी ले, पानी, आग लाग है, पानी ला, पानी ले, पानी। मैं वो आग की बात नहीं कर रहा हूं, आज भरे दरबार में महाराज ने मेरा अपमान किया, मुझसे 2 गुना ज्यादा वेतन सेनापति संत प्रकाश का बढ़ा दिया, भरे दरबार में मेरा सर नीचा हो गया। कहां ऊपर है तो राम उसके कहने से ये बाल्टी यहां पर लेकर आया। महाराज अभी कहने आग लगा के तो हम कहलो बुतवा दे पानी ले आई। अगर ये कह दे कि तू कुएं में कूद जा तो कूद जाएगा। महाराज अब बात ना मानी तो कहाँ जल बताओ। मैंने पूछा तुझसे, अगर ये कहे कि कुएं में कूद जा तो कूद जाएगा। नहीं महाराज, गलती हो गई, मरने का तुझे बहुत बड़ा। एक बात याद रखना, जिस तरह से आज भरे दरबार में मेरा अपमान हुआ है, मैं शांति से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा।
बहुत दिनों से मेरे दिल में मुंतशिर तमन्ना थी कि एक ना एक दिन इस राज का महाराज ये मंत्री दुर्जन सिंह बनेगा और मेरा सपना जरूर साकार होगा। इतनी बड़ी खोट है तुम्हारे लगी खोट या मेरी सोच है? आज हम जाने पाए तुम काहे दे उद्यान हो दरबारी? हम कहीं साढ़े छापुर जमीन नापत कब्रिस्तान बना हम नहीं जाने पा तुम्हें कि दई गुस्सान हो दरबारी। आज हमारा बहुत ही अपमान हुआ है इस दरबार में। हाँ, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। आज जाकर सौजू तक मारा मुंह होगा। महाराज चित्रसेन जिस तरह से आज भरे दरबार में तुमने मेरा अपमान किया है, मुझसे दो गुना ज्यादा वेतन सेनापति सत्य प्रकाश का बढ़ाया है। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक तुम्हारा यह सारा राज और वो शाही खजाना राजकुमारी रेखा को मैं तुमसे नहीं छीन लूंगा तब तक मैं कभी जान से नहीं बैठूंगा। उनका बात ना करो, राजकुमारी की बात ना करो, यह बात हम नमक खान महाराज से बता दिया। बताएगा अगर तेरी जुबान खुली ना बताई भाई तो याद रखना ना बताई भाई मेरी तलवार और तेरा सर ये राज रोज रहना चाहिए। रही रही अगर तुम इस राज को राज रखोगे तो वादा करता हूं जिस दिन मैं महाराज बन जाऊंगा उस दिन तुम्हें इस दरबार का सेनापति बना दूंगा। इसी तो इसी मारो अब यह राज को कहा हवा ना निकाल पीछे गली हम तुम जाओ गुलामी करो जाके हम 50 साल से नमक खाए थे महाराज के हम यह बात जरूर बताई बजाएंगे तू बता है। तो इनका बना दो हमने का बनाई हो हम हो कुछ नौकरी देखो तो न बताई जुबान खुलेगा तेरी जुबान खुलेगी अब वही तो खुली है। सुन अगर तूने अपनी जुबान महाराज के सामने खोल दिया ना तो तेरी बीबी तेरे बच्चों को राज से बाहर ले जा करके जिंदा जलवा दूंगा इतना याद रहे। सुअर साले किसे कहता रे नहीं का बताई है किसे कहता है वाल कितने बड़े तुम बहादुर चोद हो इनकी औकात है तुम्हारे साले इनका सारे कहीं नहीं का साले हम समझ लियो तुम्हारे का करम जहां बतायो चार जूता मां बस दिमाग तुम्हारा सही हो जाए किसे कहता है इनका सारे कहीं थे हम इसकी उंगली तेरी तरफ और तेरी उंगली इसकी तरफ ऐसे और तुम्हें कहा जाऊं जूता मारब तुम याद करो मारे मारे पहन चले तुम कहा कि बना जब सुअर महाराज चित्रसेन याद रखो महामंत्री दुर्जन सिंह काला नाग है काला नाग जब तक इस शाही खजाने को नहीं हासिल कर लूंगा राजकुमारी रेखा को नहीं हासिल कर लूंगा तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए अब मुझे सीधे यहां से चंबल जाना चाहिए डाकू कोबरा क्लब से मिलना चाहिए क्योंकि कोबरा हमारा वफादार दोस्त है उससे अगर मदद मांगूंगा तो वह मेरी मदद जरूर करेगा। और देखिए नांदिया गैंग के सरदार कोबरा अपने अड्डे पर बैठा होता है और अपने नांदिया गैंग से क्या बात करता है कहानी पर गौर करें। नांदिया, आप मेरे बोलने को हमें
आसर वो निकाहो में कहरी तुम इतना खो जाए और नजर जब तुम कर दिल का पत्थर भी ठोकर मारू तो पानी उछाल दूं पत्थर भी ठोकर मारू तो पानी उछाल दूं उड़ाते हुए जैन दिया खैर निकाल नहीं ना क्या कहिए भैया हमने महाराज के साई खजाने पर जब जब नजर डाली है हर बार हमारे रास्ते में यह सेनापति तलाशते प्रकार ढाल बनकर खड़ा हो जाता है लेकिन आज हमारी बात तुम कान खोल के सुन लो कहिए भैया तो ध्यान तो माना जाओ तुम हमारी इतना ध्यान महाराज के महाराज महल में होगी और कोला मोर तो तलाक में होना चाहिए क्या नहीं भैया चाहे मुझे खून की नदी क्यों ना बहाना पड़ा महामंत्री दुर्जन सिंह और चंबल में मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ कहो और कहो मंत्री जी कहते आना कहो मंत्री जी कहते आना हुआ है नहीं राजा दिल कुछ बताना किसी ने तुम्हें कुछ कहा है अरे हमारा तो यह कोबरा से जिंदा जला देगा जिंदा कोबरा मेरे यार आज महामंत्री दुर्जन सिंह तेरे पास आया है तो कोई ना कोई कारण जरूर है सही कहा तुमने सुन हमारी बात के पड़ गया एक काम जरूरी जाकर 20 घरों में टकैतियां डालकर ना जाने कितने लोगों की निर्मम हत्या किया था ना सही कहा उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया गया कोबरा मुझे
सत्य प्रकाश सेनापति सेना का संचालन करता है। भरत दरबार में महाराज चित्रसेन ने सत्य प्रकाश की तनख्वाह दूना कर दिया। सारे दरबार में मेरा सर नीचा हो गया। मैंने अपने दिल में यह प्रतिज्ञा किया है, कसम खाया है कि जब तक महाराज के शाही खजाने को और राजकुमारी रेखा को मैं उससे नहीं छीन लूंगा, तब तक मैं कभी शान शान नहीं बैठूंगा। दुर्गा सिंह, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कोबरा, यह कोबरा तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता है। क्या तुमने कई बार हमारी दिल से मदद की है? कहा महामंत्री, कोबरा की तुम्हें कौन सी मदद की जरूरत पड़ गई है? कोबरा मेरे यार, सबसे अच्छी बात तो यह है कि महाराज चित्रसेन इस वक्त अकेले रहते हैं। अच्छा, सेनापति सत्य प्रकाश सरहद पर रहता है। ओ, तुम रात में जाओ, महाराज चित्रसेन को गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार करने के बाद उससे रात ही रात चांद से मार दो। उसके बाद में मैं तुमसे वादा करता हूं, राजकुमारी रेखा जिस समय हमारी हो जाएगी, तुम जो कहोगे दुर्जन सिंह वही करेगा। दुर्जन सिंह, अगर तुम्हारी खबर सच हो ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूं उस महाराज का खून पीने के लिए मेरी बंदूक में पड़ी गोलियां तड़प रही है, और इस राज्य का राजा बनाने के लिए उसी के खून से तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा। महामंत्री, मुझे तुमसे यही उम्मीद है मेरे दोस्त कोबरा। आज ठीक रात 12 बजे तुम मेरा इंतजार करना। देखना, ये कोबरा गैंग और हमारा भाई ना गया ऐसी तबाही राज्य में मचा दूंगा कि तुम्हें हर तरफ मौत ही मौत दे जाएगी। महामंत्री मौत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कोबरा। मैं यहां से जाता हूं, वरना महाराज को शक हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जय गोपाल। जय गोपाल। हम कहां गए? हम कहां गए? तू कहां गया कन्या? हम कहां गए? मैं तुझे कन्या दिखाई दे रहा हूं। कन्या, आप कौन है? लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। भैया, ऐसा तो नहीं हो सकता पुलिस का मुख पर हो। अरे नहीं, मौत को सामने देख कर लगता है कि तेरी याददाश्त चली गई है। मैं तुझे बताता हूँ कन्या, मैं तुझे कन्या दिखाई दे रहा हूँ। हम कहाँ गए? मैं तुझे बताता हूँ। अरे मौत का दूसरा नाम तले कोबर। कुछ याददाश्त वापस आई या फिर थोड़ी थोड़ी धुलाई करना पड़ेगा। ना क्या कहिए भैया, आज रात 12 बजे अपने साथियों के साथ घोड़े पे सवार होके हम राजा के महल में डाका डालेंगे। क्यों नहीं भैया? और याद रहना चाहिए कि हमारे सामने कोई आए हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें खून की नदी को ना बहा देना पड़े। पर आज शाही खजाना लूट के वापस आ गया।